बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत टेस्टी लगती है और बन भी ये मिनटों में ही जाती है। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये बेसिकली आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम काम बेहतर कर रहे हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक अदद पैन और इसमें 1 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। ये हमारे पास बारीक कट की हुई प्याज है और इसे मिक्स करेंगे। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच हमारे पास बारीक कटिंग में कट की हुई टमाटर है। टमाटर को ऐड करने के बाद 1 टीस्पून जितनी हमारे पास बारीक कटिंग में कट की हुई हरी मिर्चे हैं, मिक्स करेंगे इनको और अच्छे से इनको सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे नमक, 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे ये पैकेट जो कि कनौर नूडल्स में से निकलता है, वो हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से और अब हम इसमें 1 कप जितना पानी डाल देंगे और पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने लग चुका है और अब हम इसमें डालेंगे ये कनौर नूडल का हमने 1 पैकेट लिया है, नूडल्स हम इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर हम इसे कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए ताकि पानी भी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और नूडल्स भी हमारे गल जाएं। यानी जी यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं और खोल के चेक कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी भी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और नूडल्स भी हमारे गल चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करते हैं और यहाँ पर आप देखिए हम इसे इसमें डालेंगे। ये हमारे पास गोल और छोटे साइज की कटोरी है, ये देखिए इस तरह से। चलते हैं अब हम आगे के प्रोसेस में। और अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ लेंगे 1 बन बर्गर और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इसको हमने अच्छी तरह से सेक लिया हुआ है और इसके नीचे वाले हिस्से के ऊपर लगाएंगे हम केचप। केचप को डालने के बाद हम इसके ऊपर ये जो हमने कटोरी में नूडल्स डाल के रखे हुए थे वो इस तरह से रख देंगे। ये देखिए नूडल्स को डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये प्याज के स्लाइसेस जो कि हमने गोल कट करके रखे हुए हैं और साथ ही हम इस पे लगाएंगे ये टमाटर का 1 स्लाइस। यहाँ पर इन सारी चीजों को लगाने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे ये चेडर चीज का हमारे पास 1 स्लाइस है। आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर बन के ऊपर वाले हिस्से पर भी केचप लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे इस हिस्से से। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मजेदार सा मैगी बर्गर हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये इंशाल्लाह बच्चों को बड़ों को दोनों को बहुत पसंद आने वाला है। बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।